अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं निम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर फैज़ान अहमद अंसारी आज आप लोगों को कोरोना वायरस इस बीमारी के बारे में कुछ मालूम देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस डिज़ीज़ ये दिसंबर 2019 में सबसे पहले चाइना के एक शहर वुहान में शुरू हुई और धीरे धीरे करके सारी दुनिया में फैल गई। इसलिए WHO ने इसे आलमी वबा यानी कि ग्लोबल पैंडेमिक करार दिया है। आलमी सतह पर मरीजों की तादाद बढ़कर 4 से 5 लाख हो चुकी है। इस बीमारी के चलते 20,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हिंदुस्तान में भी मरीजों की तादाद 500 से 600 को पहुंच चुकी है और इस बीमारी के चलते 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीमारी की अलामतों के बारे में बात करें तो बुखार, खांसी, गले में खराश, सरदर्द, बदन दर्द जैसी शिकायतें इसकी अलामतों में शामिल हैं। बीमारी की शिद्दत बढ़ने पर सांस लेने में तकलीफ होना, दमे की शिकायतें पेश आ सकती हैं। बीमारी लगने से लेकर अलामतें जाहिर होने तक के वक्त को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इस बीमारी में इंक्यूबेशन पीरियड 1 दिन से लेकर 14 दिन तक हो सकता है। इस पीरियड में मरीज अनजाने में ये बीमारी दूसरों तक फैला सकता है। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अपने आप को कम से कम 14 दिन तक के दूसरे लोगों से अलहदा करके रखे, जिसे क्वारंटाइन भी कहा जाता है। उम्र दराज लोग और ऐसे लोग जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या जिन लोगों को दिल की, फेफड़ों की, गुर्दे की दायमी बीमारियां हैं, ऐसे लोग इस बीमारी का जल्द शिकार हो सकते हैं और इन्हीं लोगों में इस बीमारी की शिद्दत भी पाई जा सकती है। इस बीमारी के ट्रांसमिशन यानी अरसाल की बात करें तो ये खांसी से निकलने वाले ज़र्रात की शक्ल में हवा के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है। यही नहीं, मरीज़ को छूने या मरीज़ की इस्तेमाल की हुई अशिया को छूने से भी ये बीमारी फैल सकती है। इस बीमारी के इलाज की तहकीकात अभी भी जारी है, मुकम्मल तौर पर इलाज अभी तक नहीं पाया गया है। इस सूरत हाल में एहतियात इलाज से बेहतर है, इस जुमले का ताक़ुब करने में ही समझदारी है। एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले अहम ये है कि साफ़ सफाई का ख्याल रखें। दूसरा ये कि माशरती दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, घरों पर ही रहें, गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। शदीद ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने की सूरत में चेहरों पर मास्क ढक कर जाएं और एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बरकरार रखें। वक्तन फ़ौक्तन सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। बीमारी की अलामतें महसूस होने पर या मरीज़ के कांटेक्ट में आने पर जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल में राबता कायम करें। इन हालात में इस बीमारी की रोकथाम के लिए दूसरे मुमालिक की तरह हिंदुस्तानी हुकूमत ने भी कई कवायद जैसे सेक्शन 144 और जनता कर्फ्यू जैसे कवानीन मुल्क भर में लागू किए हैं। इसी तरह कई मजहबी दीनी तंजीमों ने उसूलों में बदलाव का हुक्म दिया है और डॉक्टर्स माहिरीन की तरफ से वक्तन फ़ौक्तन एहतियाती हिदायतें दी जा रही हैं। मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत के कवानीन, उलमाओं के हुक्म और डॉक्टर्स की एहतियाती हिदायतों पर संजीदगी से अमल करें। नेशनल लॉकडाउन के चलते मिले इस खाली वक्त को मौसीर अंदाज में इस्तेमाल करें। मरीजों के लिए और इस बीमारी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाले सभी लोगों की हिफाजत के लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाह।